हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम रेनू मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला, भाग दो, चतुर्था पाठ, परोपकार। परोपकार क्या है? दूसरों की भलाई यानी कि चैरिटी जो बोलते हैं, परोपकार के बारे में जानेंगे। क्या बताया गया है परोपकार के विषय में, तो आप देखिए पाठ पढ़ते हैं परोपकार। इसमें एक चित्र दिखाया गया है, आपको दिख रहा होगा कि ये बच्चा, ये बुजुर्ग है, इनकी सहायता कर रहा है। यहाँ पर ये एक बैठे हुए हैं व्यक्ति, ये इनको भोजन दे रहा है बच्चा। ये सब क्या कहलाता है? ये सब परोपकार कहलाता है, दूसरों की भलाई करना। ये कार्य हमारे जीवन में हमें करते रहना चाहिए। यही हमें आगे जाकर हमारे कर्मों के फल होते हैं कि जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें अच्छे ही फल मिलेंगे। और समय मिलने पर, जैसे जैसे भी समय मिले, छोटी छोटी बातों से भी हमें हमेशा परोपकार, दूसरे की भलाई करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा कार्य किसने देखा, नाम के लिए नहीं। हमें जो कार्य करना है वो अपने मन की शांति के लिए करना चाहिए। जैसे संसार है, परोपकार है परमो धर्म अस्ति। संसार में परोपकार करना, दूसरे की भलाई करना परम धर्म है। परेषाम उपकार है परोपकार कथ्यते। दूसरों का भला करना ही परोपकार कहलाता है। संसारे ये जना परोपकारं कुर्वन्ति, ते एव जना श्रेष्ठा भवन्ति। इस संसार में जो लोग परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, वो लोग ही श्रेष्ठ यानी कि बहुत अच्छे वो लोग व्यक्ति होते हैं। न केवलम मानवा अपितु प्रकृति अपि परोपकारे संलग्ना अस्ति। केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी परोपकार करने में लगी रहती है हमेशा। कैसे जानते हैं? सूर्य चंद्रश्च रात्रि दिनम परोपकाराय एव प्रकाशन्ते। सूरज और चंद्रमा भलाई के लिए ही, परोपकार के लिए ही दिन और रात में प्रकाश देते हैं। अगर दिन में सूरज ना निकले तो कैसा लगता है? लगता है ना, सर्दियों में सूरज नहीं निकलते तो कैसा लगता है? एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। रात में चांद नहीं निकलता, वो रोशनी देता है। कई बार तो चांद की रोशनी में ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये सूर्य और चंद्रमा दूसरों की भलाई के लिए ही तो दिन में रात में प्रकाश देते हैं। पवन है परोपकाराय बहती। जो हवा है वो दूसरों की भलाई के लिए बहती है। क्या हवा अपने आप को संतुष्ट कर लेती है? नहीं, वो दूसरों को अच्छा लग रहा है इसलिए हवा बहती है, हवा चलती है। वृक्ष परोपकाराय फलती। जो पेड़ है वो जो है परोपकार के लिए ही क्या करते हैं? फल देते हैं। क्या पेड़ अपना फल खुद खाता है? कभी नहीं खाता, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए पेड़ हमेशा फल देते हैं। मेघा परोपकाराय वर्षन्ति। बादल दूसरों की भलाई के लिए ही वर्षा करते हैं, उनको क्या भला होगा इसमें? लेकिन जब जनता गर्मी से या किसी से त्रस्त हो जाती है तब बादल बरसते हैं और भलाई करते हैं। नद्यः अपि परोपकारायैव प्रवहन्ति। नदियाँ भी दूसरों की भलाई के लिए ही बहती रहती हैं। क्या नदी अपना स्वयं जल पीती है? नहीं, नदी अपना जल स्वयं नहीं पी सकती, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की प्यास बुझाती है। बहुत सारे पानी से प्यासे लोगों की प्यास कौन बुझाती है? नदियाँ बुझाती हैं। जब बहुत गर्मी लगती है तो नदियों में जाते हैं, हम स्नान करने के लिए जाते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं। नदियों से पानी आता है, लोगों की प्यास बुझती है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो नदियों के पानी से आकर होते हैं, लेकिन वो अपना खुद भोग नहीं करती हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए ही ये सब कार्य ये लोग करते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। परोपकाराय एव महर्षि दधीचि देवेभ्य स्वः अस्थीनि अददात। परोपकार के लिए ही महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी। उनसे देवताओं ने उनकी हड्डियां मांगी कि हमें वज्र बनाना है, तो दधीचि ने अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। राजा शिवी परोपकाराय स्वशरीरम अपि अददात। राजा शिवी ने भी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। महात्मा गांधी परोपकाराय वारम वारम कारागारम असेवत। महात्मा गांधी भी दूसरों की भलाई करने के लिए, परोपकार के लिए ही बार बार जेल गए। विविधानि कष्टानि च असहत, और अनेक कष्टों को सहा।
महात्मा बुद्ध जनानाम दुख निवारणाय च स्व राज्यम अत्यजत। महात्मा बुद्ध ने लोगों के दुख हरने के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिया। उन्हें लगा कि महात्मा बुद्ध ने भी अपने राज्य का त्याग कर दिया कि लोग बहुत दुखी हैं, उनका दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया और निकल पड़े शांति की खोज में कि सुख आखिर मिलेगा कहाँ, हर व्यक्ति दुखी है। तो इससे दुखी होकर उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया था। दयानंद विवेकानंद आदय जनानाम दुख निवारणाय आजीवनम प्रयत्नम अकुर्वन। किस किसने? महर्षि दयानंद ने, विवेकानंद आदि लोगों ने लोगों के दुख को दूर करने के लिए हमेशा पूरे जीवन भर प्रयास किए। ये जना परेशान कुर्वंती ईश्वरः तेषां सहायतां करोति। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं ईश्वर उनकी सहायता स्वयं करता है। हमेशा याद रखना, अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर आपका भला खुद कर देंगे। इसलिए किसी ने ठीक भी कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी कि 18 पुराणों में ये व्यास ने दो वचन ही कहे हैं। कौन कौन से? कि परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप क्या होता है? दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने ये दो ही वचन कहे हैं कि परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है। तो इस प्रकार बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा कि परोपकार करना चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें इससे क्या मिलेगा। वो तो जब आपको मिलेगा तब आपको पता लगेगा कि अरे हमने ये काम किया तो हमें खुद भी इतना अच्छा फल मिला है। इसलिए समय समय पर परोपकार करते रहना चाहिए। पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जान लेते हैं। परेशान यानी कि दूसरों का, प्रवहंती बहती हैं, फलंती फल देते हैं, पवन हवा निवारणाएँ दूर करने के लिए, नद्य नदियाँ, अस्थिनी क्या होती हैं? हड्डियों को। अष्टादश क्या होता है? 18। अददात्मा ने दे दिया, कारागारम जेल, पुण्याय माने पुण्य के लिए, परपीडनम दूसरों को कष्ट पहुँचाना, दूसरों को दुख देना, और प्रकाशनते माने प्रकाशित होते हैं, और पापा यानी कि पाप के लिए। तो पाठ में आए हुए बच्चों कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द, उनके अर्थों के बारे में हमने जाना। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। कह परमो धर्म अस्ति, परम धर्म क्या है? परोपकार, परोपकार परमो धर्म अस्ति। दूसरा है, के जना श्रेष्ठा भवंती, कौन लोग श्रेष्ठ होते हैं? परोपकारी जना श्रेष्ठा भवंती, वो ही लोग श्रेष्ठ होते हैं। का कमर्षश्च स्वराज्यम अत्यजत, किस कौन और किसने अपने राज्य को त्याग दिया था? महात्मा बुद्ध जनानाम पीड़ानाम निवारणाय स्वराज्यम अत्यजत। ईश्वर है केशाम सहायता करोति, ईश्वर किसकी सहायता करता है? ये जना परेशान सहायतां करोति, ईश्वर तेषां सहायतां करोति। जो दूसरों की सहायता करते हैं ईश्वर उनकी सहायता स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। जैसे परेशान उपकार है एव परोपकार
कथ्यते। दूसरे है डैश परोपकार फलंती वृक्षा। वृक्षा पेड़ ही तो परोपकार के लिए फल देते हैं। मेघा परोपकाराय वर्षंती। संसारे परोपकार परमो धर्म, परमो धर्म अस्ति। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ये विकल्प दिए हुए तीन, इनमें से जो सही उत्तर है उस पर ही हमें सही का निशान लगाना है। जैसे संसारे परमो धर्म अस्ति कौन, परोपकार है, यह सदाचार है, यह सदव्यवहार है, ये परोपकार। दूसरा है परोपकार है बहती, परोपकार के लिए बहती है क्या, अग्नि या जलम या पवन, कौन पवन, हवा बहती है। परोपकार है स्वस्थिनी अददत, परोपकार के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी किसने, महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि दधीची ने या महात्मा बुद्ध ने, किसने, महर्षि दधीची ने परोपकार के लिए ही अपनी हड्डियों को देवताओं को दान में दे दिया था। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, वाक्य बनाने हमें परोपकार है। परोपकार परमो धर्म प्रकृति, प्रकृति एव परोपकाराय कार्याणि कुर्वन्ति। शरीरम इदम् मम शरीरम अस्ति, ये मेरा शरीर है। सहायता परोपकारी जनः सदैव परेषां सहायतां करोति। तो इस प्रकार हमने छोटे छोटे वाक्यों को बनाया बच्चों। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। इसमें क्या है, 18 पुराणों में, 18 पुराणों में महर्षि व्यास ने दो वचन कहे हैं, कि क्या कहे हैं दो वचन, कि परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप दूसरों को कष्ट देने के लिए यानी कि पीड़ा देने के लिए। दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए श्लोक का अर्थ लिखा हिंदी में। अब हमारा एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें परोपकार के विषय में, परोपकार की कौन कौन सी ऐसी बातें जो हम कर सकते हैं, 5 वाक्य लिखने होंगे अपनी पुस्तिका में और अपने टीचर को दिखाना होगा। 5 ऐसी परोपकार की बातें आप लिखेंगे और अपने टीचर को दिखाना। ये आपका एक्टिविटी होमवर्क है जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने जाना परोपकार के विषय में कि परोपकार कितना ज़रूरी है जीवन में और सबको परोपकार करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आभार।